पली में मौजूद आरे कॉलोनी में कई बार तेंदुए के हमले की खबरें आती रहती हैं। यहां संजय गांधी नेशनल पार्क से तेंदुए इंसानी आबादी में घुस जाते हैं। वन विभाग ने तेंदुओं को ट्रैक करने के लिए जीपीएस टेलीमेट्री से लैस एक रेडियो कॉलर लगाए हैं, जिसका रिजल्ट जो है अब आने लग गया है। शहरी इलाकों में तेंदुओं का हमला कोई नई बात नहीं, लेकिन ऐसे हमलों को रोकने के लिए तेंदुओं को शहरी इलाकों में जाने से रोकना काफी नहीं। जरूरी ये भी है कि तेंदुओं की गतिविधियों को समझा जा सके। मुंबई का संजय गांधी नेशनल पार्क तेंदुओं पर अध्ययन के लिए तकनीक का सहारा ले रहा है। वन विभाग ने तेंदुओं पर रेडियो कॉलर लगाना शुरू किया है। ये रेडियो कॉलर जीपीएस टेलीमेट्री से लैस है, जो सैटेलाइट के जरिए काम करता है। इस जीपीएस टेलीमेट्री के जरिए तेंदुओं की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया जा रहा है। अभी जो हम रेडियो टेलीमेट्री का जो काम कर रहा है, रेडियो टेलीमेट्री का थ्रू हमने ना एनिमल जो है ना उसका तरफ से वो क्या सोचता है, कोई रोड क्रॉस करने से पहले वो क्या क्या प्रिकॉशन लेता है। सो अदरवाइज हम हमेशा कैसे होता है, रोड साइड में कोई या कोई इसमें हैबिटेशन में जब लपड़ जाता है, हम हमारे लेवल पे देखता है, अरे वो किसको अटैक करेगा, ये क्या कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। बट हमने एनिमल का पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो, एनिमल को क्या रहता है, वो रास्ता ढूंढता रहता है, ये लोगों का बीच में से मैं कैसे बाहर निकलूं और मैं कैसे लोगों को मैं अवॉइड करूं। डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेस्क्यू टीम है वो बहुत ही प्रोफिशिएंट है, तो उनका मदद लिया हमने और वो जानते हैं कैसा ट्रैप लगाना है, कैसा करना है। और हम फुल प्रिकॉशन लेते हैं कि लेपर्ड स्ट्रेस नहीं होता है, वेटरनरी डॉक्टर भी रहते हैं, तो ये सारा टीम वर्क ही रहता है, तो उसके वजह से वी आर सक्सेसफुल। अब तक 4 तेंदुओं पर जीपीएस टेलीमेट्री से लैस रेडियो कॉलर लगाए गए हैं। इसके लिए ऐसे तेंदुओं का चुनाव किया गया जो पार्क के बाहर जाकर इंसानों के संपर्क में आए हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद तेंदुओं का अध्ययन करना है और मुंबई के भारी आबादी वाले शहरी इलाकों में इंसानों और तेंदुओं के संघर्ष को कम करने में मदद करना है। एनिमल को क्या रहता है, वो रास्ता ढूंढता रहता है, ये लोगों का बीच में से मैं कैसे बाहर निकलूं और मैं कैसे लोगों को मैं अवॉइड करूं। हमारे पास वैसे भी बहुत सारे जो फुटेजेस है जहां जैसे हमने एक लेपर्ड आया वो रास्ते पे, वो स्टॉप करके साइड में आ गया बाजू में, हमको भी उसमें से ये लगा क्यों अभी साइड में आया, वो बाद में पता लगा वहां से लोग जा रहे हैं उसमें। मतलब ये लेपर्ड भी लोगों के साथ में कोएग्जिस्टेंस कैसे करना चाहिए वो धीरे धीरे उसमें भी है ना, उनमें भी एवोल्यूशन आ रहा है। 2 साल पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और अब तेंदुओं के अध्ययन से उसकी गतिविधियों को समझने में मदद मिल रही है। जीपीएस टेलीमेट्री की मदद से वन विभाग को तेंदुओं के भूमि उपयोग पैटर्न, व्यस्त यातायात के साथ सड़कों पर उनकी आवाजाही और वो इंसानों से कैसे बचते हैं जैसे सवालों के जवाब देने में मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।